नंबर 11 इफ cos x raised to power y is equal to sin y प्रूव दैट dy by dx is equal to log sin y plus y tan x upon log cos x minus x cot y ये चीज आपको प्रूव करना ठीक है आंसर आंसर ले लो देखिए cos x की वैल्यू है cos x raised to power y equal to sin y dx ना तो taking log in both side taking log in both side taking log in both side ठीक है तो both side हम log लेते हैं ठीक है भैया log cos x raised to power y equal to log sin y ठीक है तो देगा y into log cos x equal to log sin y अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड इन दिस पे क्लियर ठीक है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू लॉग क्रॉस एक्स ठीक है इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स log sin y log sin y ना ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया सेकंड फंक्शन हो गया तो रेस्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ठीक प्लस रेस्ट ऑफ सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू डी बाय डी टी log t dt बाय dx ठीक है तो ये हो जाएगा आपका y डी बाय डी यू लॉग यू डी यू बाय डी एक्स प्लस लॉग कॉस ऑफ एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टी डी टी बाय डी एक्स ठीक है अब इसमें डी बाय डी यू लॉग यू क्या होगा वन अपॉन यू हो जाएगा ना तो ये देखो y अपन y y अपन 1 by u log u का डिफरेंशिएशन 1 by u हो जाएगा ना फिर du by dx तो यहां पर u वैल्यू वापस कर देते हैं तो u वैल्यू कितना cos x है u वैल्यू अपने क्या माना है cos x ना तो cos x लिख दीजिए ठीक है फिर प्लस log cos x है log cos x लिख दीजिए ठीक है log cos x फिर dy by dx है ना और इज इक्वल टू 1 by t तो 1 upon t t की वैल्यू कितना है sin y sin of y d by dx sin y d by dx of sin y d by dx of sin y है ना t की वैल्यू ऑफिस कर दिया है और टी की वैल्यू आपने साइन वाली मान साइन वाली ना ठीक है तो टी के लिए हमने साइन वाली दिया अब यहाँ से यहाँ पे ये यू का आपने कॉस एक्स माना कॉस एक्स लिख दीजिए अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स हो गया फिर प्लस लॉग कॉस एक्स हो गया ना फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन साइन वाई ना ये हो जाएगा डी बाई डी वाई साइन ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स है ना तो देखा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू वाई और प्लस लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन साइन वाई इंटू कॉस वाई ठीक है डी वाई बाई डी एक्स तो देखा माइनस टेन एक्स वाई और प्लस log cos x dy by dx is equal to cot y dy by dx है ना ठीक है हम dy by dx के टर्म एक साथ लिख लेते हैं dy by dx के टर्म एक साथ ले लेते हैं और इस टर्म एक साथ लिख लेते हैं ठीक तो जगह माइनस
माइनस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू कट वाई कट वाई और माइनस लॉग कॉस एक्स फिर डिवाइड बाय डीएक्स डिवाइड बाय डीएक्स ना आपको क्या चाहिए डिवाइड बाय डीएक्स देख लीजिए ये सही लिखा है आपने हैं यहाँ पावर तो नहीं है एक्स की साइन वाई एट फोर एक्स तो नहीं है हाँ एक्स जब फिर जब बुखार उसको है नहीं तो कहाँ से चलिए इसे कॉपी करिए जो है उसका आंसर ये ठीक है डी एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस वाई टेन एक्स अपॉन कॉट वन माइनस लॉग कॉस एक्स ठीक है जो आपने क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका ये है ये प्रूफ करने को ठीक है
यहाँ पर पावर एक्स होगा, यहाँ पावर एक्स है आपके क्वेश्चन में, यहाँ पावर एक्स लिखे ठीक है, तब फिर ये चीज आएगी प्रूफ करना आपका, उसके अकॉर्डिंग जो आएगा हमने विदाउट पावर डिफरेंशियल आएगा उसको यहाँ लॉग देखिए कॉस एक्स है क्या है, लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स का टोटल है ना ठीक है। चलिए इसमें जो ये फंक्शन है एक और फंक्शन ना, तो फिर आपको बहुत सारे डार्क ब्लॉग लेना पड़ेगा ठीक है, तो टेकिंग लॉग इन बहुत से बहुत सेक्टर पे सब लॉग ले लेते हैं और फिर डिफरेंट सेट करेंगे। तो टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, बोथ साइड लगा लीजिएगा तो हो जाएगा वाई लॉग कॉस एक्स ठीक है इक्वल टू एक्स लॉग साइन, एक बार फिर से देख लीजिए ये है कि कुछ होता है प्रूफ में आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड है, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं टू वाई ये तो जगह डी बाई डी एक्स
देखिए ट्वेंटी में देखते था फर्स्ट वन ट्वेंटी बाई ट्वेंटी एट हो गया इनटू रेस्ट ऑफ सेकंड प्लस रेस्ट ऑफ फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड है ना इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट रेस्ट ऑफ सेकंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड रेस्ट ऑफ फर्स्ट है ना ये हो जाएगा आपका log cos x dy by dx plus y dy dt log t dt by dx equal to log sin y plus x dy du log u dy dx
इधर लेफ्ट साइड रख करते हैं। चलिए इसका लाभ ले लीजिए। एक्स रेट फॉर वाई, वाई रेट फॉर एक्स इज इक्वल टू लॉग ए रेट फॉर बी, है ना। तो ये फर्स्ट फंक्शन है आपका सेकंड फंक्शन। एक्स रेट फॉर वाई लॉग वाई रेट फॉर एक्स इज इक्वल टू ये जगह बी, इसमें प्रोडक्ट लगेगा। जैसे लॉग एम इंटू एन क्या होता है बताओ, लॉग एम इंटू एन जो है, लॉग एम इंटू एन क्या होगा, लॉग एन प्लस लॉग एन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा लॉग by dy, dy by dx, ठीक है।
प्लस
log x into 1 of plus 4 ठीक है ना। यहां से क्या मिल जाएगा तो x से x कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 upon y डिवाइड बाय dx इक्वल टू देखो 1 plus 2 3 हो जाएगा, यहां 1 बचेगा यहां 1 ये 2 log x यहां से डिवाइड बाय dx कितना हो जाएगा डिवाइड बाय dx हो गया आपका y into 3 इक्वल टू ये 1 2 3 प्लस ठीक है चलिए।